हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आपके लिए जो है लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। जो जहाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, कल जो है आपका जो है 140 जो है धारा लागू हो जाएगी। तो हम पूरा डिटेल्स में जानते हैं कौन कौन से जगह पे जो है धारा 140 लागू हो रही है, कि पूरे महाराष्ट्र में धारा 140 लागू होगी। पूरा डिटेल में समझाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट पल पल के हमेशा सबसे आगे मिलती रहेगी। तो चलिए लेके चलते हैं सीधा। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि चीफ मिनिस्टर, देखिए यहाँ पे दिए हुए अपडेट्स ऑन महाराष्ट्र अनाउंस बाय चीफ मिनिस्टर एट 3 PM। तो जनता कर्फ्यू जो एक्सटेंडेड टिल 6 AM टुमारो इन महाराष्ट्र। तो जो जनता कर्फ्यू एक दिन के लिए लागू हुआ था भारत सरकार की तरफ से, वो जो है एक्सटेंड हो जाएगा कल से, यानी कि 23 मार्च से। सेकेंड है, देखिए, सेक्शन 144 टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 6 AM टुमारो इन इंटायर महाराष्ट्र अंटिल 31 मार्च, यानी कल सुबह 6 बजे से जो है 144 जो है लागू हो जाएगी कल सुबह से। तो आपको अभी जो कुछ भी काम वाम करना है वो कर लग सकते हैं, क्योंकि 144 धारा लागू होने के बाद आपको पता है नियम क्या कहता है। उसके बाद आप जो है इकट्ठा नहीं हो सकते, किसी से मिल नहीं सकते ज़्यादा। तो नेक्स्ट नंबर 3 पे जाते हैं, ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्लोज अंटिल 31 मार्च, दैट इज़ लोकल ट्रेन्स, ST बस एंड मेट्रो ट्रेन्स। यानी कि सारी चीज़ें जो है बंद हो जाएंगी 31 मार्च तक, लोकल, ST बस, मेट्रो स्टेशन। नंबर 4, ऑल एसेंशियल सर्विस, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड यूटिलाइजेशन रिमेन ओपन। आपका जो बैंकिंग और फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो सब ओपन रहेगा, मतलब खुला रहेगा, उसकी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। नंबर 5 पे जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस विल बी ओपन ओनली एट 5% ऑफ कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफिस जो खुले रहेंगे उसी 5% ऑफ कैपेसिटी वाले ही खुले रहेंगे, उस बाकी के लोग जो बाकी के ऑफिसेज है वो बंद रहेंगे। 6, वर्क फ्रॉम होम टू बी मैंडेट फॉर प्राइवेट ऑफिसेज। तो जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू रहेगा। नंबर 7 है, ऑल टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मॉस्क्यूज एंड अदर वर्शिप प्लेसेस टू बी क्लोज अंटिल 31 मार्च। सभी जो है मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वर्शिप, कोई भी पूजा का स्थल हो जहां पर आप प्रार्थना करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है बंद रहेगी 31 मार्च तक। जी हाँ दोस्तों, नंबर 8 पॉइंट जो है वो है, ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू बी क्लोज अंटिल 31 मार्च। स्कूल कॉलेजेस ऑलरेडी जो है बंद किए गए थे, लेकिन 31 मार्च तक जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। पहले जो आया था वो 27 तक के लिए डेट आया था, अब जो है एक्सटेंड करके 31 मार्च कर दिया गया। तो दोस्तों, ये रही आपकी लेटेस्ट अपडेट अभी तक की महाराष्ट्र में, जो उद्धव ठाकरे जी ने जो है अभी अनाउंसमेंट किया है। तो आप सभी को जो है इसका इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी अपडेट पहुँच सके, क्योंकि कल से जो है धारा 144 लागू होने वाली है। और अभी फिलहाल 9 बजे जो है जनता कर्फ्यू खत्म होगा, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो उस हिसाब से जो है आप अपने जो भी दिनचर्या है, जो भी काम वगैरह है, उसको निपटा सकते हैं। थैंक यू सो मच।